खन्ना पुलिस के हाथ एक वड्डी सफलता लगी है। वारिस पंजाब जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह के साथी तजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा नू गिरफ्तार किया गया है। गोरखा बाबा खन्ना दा थाना मलोद के पिंड मांगेवाल का रहने वाला है। वह अक्सर अमृतपाल के नाल ही रहिंदा सी अते अजनाला कांड विच भी नामजद दस्या जा रहा है। गोरखा बाबा अमृतपाल का गनमैन बन के रहिंदा सी। एक अपने थाना मलौद के तहत एक पिंड पैंदा मांगेवाल, उधर का एक व्यक्ति हैगा तजिंदर सिंह गिल, जो कि पिछले समय तो काफ़ी टाइम तो जिहड़ा अमृतपाल दे नाल एज सिक्योरिटी ड्यूटी चलता हुंदा सीगा, जो कि सोशल मीडिया से भी एक्टिव सीगा, ते उहदी कई ऐसी फोटोआं सीगी जिहदे च उहने हथियार फड़े हुए सीगे। रिकॉर्ड जब चैक किया गया तो इहदे नां ते कोई भी जिहड़ा हैगा आर्म्स लाइसेंस जिहड़ा इशूड नहीं सीगा, जिस दे बावजूद भी जिहड़ा सोशल मीडिया ते इहदी वीडियो सीगियां जिहदे च इहदे कोल अलग अलग तरह के वैपनज इहने फड़े हुए सीगे, जो कि पंजाब सरकार के हुक्मां दे तहत जिहड़ा इहदे जिहड़ी पाबंदी दे ऑर्डर सीगे उहदे तहत जिहड़ा इहदे खिलाफ़ जिहड़ा 188 दा जिहड़ी FIR उह रजिस्टर की गई है। तो उस तो इलावा इहदे दी 750 भी की गई है, क्योंकि रिकॉर्ड मुताबिक यह भी पता लग्या भी जिहड़ा अजनाला इंसीडेंट होया सी जिहदे च अमृतपाल दे उपर FIR हुई सी, ये उत्थे भी नाल उहदे गया सीगा ते उहदे च भी इनवॉल्व सीगा। उसकी जिहड़ी आ वक्रे तौर पर जिहड़ी अजनाला पुलिस वालों इहदे ते वक्री अरेस्ट ते वक्री कार्रवाई होएगी। तो फिलहाल जी साडे वालों 188 की जी है दे तहत ये FIR रजिस्टर वे अरेस्ट पाई गई है, तो 750 भी नाल पिछले कुछ अमृतपाल के कुछ साथी सके जिन्हें राही अमृतपाल के नाल जिहड़ा जुड़िया सीगा, जो कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि हले पुछगिछ जारी है। तो अगर जो भी अगर होर भी खुलासे आएंगे वो जिहड़ा मीडिया नाल फिर आपां सांझे करांगे। उस तों बाद ही जिहड़ा ये उहदे पिंड गया सी ते उत्थे उहदे नाल जुड़ के ज़्यादातर रहिंदा सी। होर भी जिहड़े राउंड अप कीते ने जिहड़े कि इहदी सपोर्ट वगैरह करदे सीगे उहनां दी भी जिहड़ी सब वक्रे तौर पर जिहड़ा हैगा उहनां दे इंसीडेंट किसी च कोई इनवॉल्वमेंट नहीं, बट उहनां दी भी वक्रे तौर पर जिहड़ा प्रिवेंटिव एक्शन भी कीता जा रहा है। ਇਹਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲ ਥਾਣੇ ਤਹਿਤ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰੈਸਟ ਅਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਇਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।